सारण जिला उत्पाद विभाग ने यूपी से मैरवा के रास्ते पट्टन ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। शराब तस्कर विदेशी ब्रांड की लग्जरी स्कोडा कार में गुप्त तहखाना बनाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब छुपाकर सारण जिले के गरखा सोनहो के रास्ते पटना ले जा रहे थे। सारण जिला उत्पाद अधीक्षक रजनीश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इस कार को रोककर तलाशी ली गई, तो इसमें गुप्त तहखाना बनाकर छुपाई गई अंग्रेजी शराब की भारी तादाद मिली। इस शराब के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब का अनुमानित कीमत 2 लाख रुपया है। ये गाड़ी पकड़ी गई है, किस तरह से कितना माल कितना मिले थे कि यूपी से एक कार आ रहा है जिसमें कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने सोनो चौक के पास जांच लगाया था, उसी क्रम में जांच के क्रम में इस कार को पकड़ा गया, जिसपे 2 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि ये उत्तर प्रदेश देवरिया से लेके निकले थे और इनको पटना दीघा में इसको सप्लाई देना था। इसमें करीब 15 कार्टन के आसपास विदेशी शराब बरामद किया गया है, इसी गिनती की जा रही है। इसका बाजार मूल्य करीब 1.5 लाख रुपया है और इन दोनों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की। अच्छा, जो गाड़ी है बहुत महंगे ब्रांड विदेशी ब्रांड की गाड़ी है, ये स्कोडा गाड़ी है, इसका भी तो मूल्य अच्छा खासा होगा। इस गाड़ी को हम लोग अपना ये करेंगे अधिग्रहण के लिए। लग्जरी कार है लगातार, इधर इस महीने में 2-3 हम लोग लग्जरी कार। ये सीक्रेट कहाँ बनाया गया? इसमें टिक्की के अंदर एक चैम्बर बना हुआ था और सीट के अंदर एक चैम्बर बना हुआ था, उसी में पीछे वाली सीट के अंदर से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।